चापोरा से दिल्ली तक का सफ़र काफ़ी दूर है, इतना दूर सफ़र करने का क्या पूरा मामला रहा आपका? देखिए, सबसे पहले दिल्ली देश का राजधानी है और बहुत समय हमको त्रिपुरा में हमारी सरकारी हमें अवसर नहीं देती कि अगरतला में हम आंदोलन करें। कहा जाता है कि आप अगरतला में मत आइए, व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। तो हमें लगा कि हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी आवाज़ दिल्ली पहुंचनी चाहिए। अगर आप हमारे राजधानी में हमारे आवाज़ को रोक देंगे तो हम दिल्ली आकर बात करेंगे, क्योंकि 2019 से हम अनुसूचित जनजाति हैं, लेकिन हमारी आवाज़ दिल्ली पहुंचनी चाहिए। और आज हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे कुछ डिमांड्स हैं, हमारी कोई समस्या है, उसका हम आज मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को भी देंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष को भी देंगे और दूसरे जो भी पार्टी है जो हमारे संग जिनका वो जो हमारे पीड़ा को समझ सकते हैं उनको भी देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि देश में हम सिर्फ दिल्ली की आवाज़ सुनते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके जहां में अनुसूचित जनजाति उनकी आवाज़ बहुत समय दबाई जाती है। और आपकी मेन जो आपकी डिमांड्स हैं वो क्या है आउटलाइन? सबसे पहले है कि हम अपना भाषा, त्रिपुरा का एक भाषा है, उनको हम एट शेड्यूल में लैंग्वेज में हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं। उसके बाद हमने अपने हमारी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, हमने कहा है कि आज हमारा भविष्य हमें खुद चलाना चाहिए, तो हमें डायरेक्ट फंडिंग चाहिए दिल्ली से। स्टेट गवर्नमेंट हमें डिसप्रोपोर्शनेट फंडिंग देती है, जबकि 70% जगह हमारी है, आप ज़्यादा करके 30% को ही आप जगह में आप पैसा देते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, आप जानते हैं बांग्लादेश हमारे सामने, हमारी संख्या बहुत कम है, अगर आपने ये बिल पास किया तो हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में है। हम चाहते हैं कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल धर्म, जाति और भाषा के आधार में ना करें। हिंदुस्तान का एक संविधान है, उस संविधान को मान के ही हम हिंदुस्तान के एक अंग बने हैं, आप हमारे साथ ये ऐसा धोखा मत करें। ये आपको कब से ये महसूस होने लगा है कि आप जाति धर्म के भेदभाव हो रहा है? देखिए, शायद दिल्ली को बाबरी मस्जिद के बाद लग रहा होगा, दिल्ली को शायद 84 राइट्स के बारे बाद लग रहा होगा, हमें तो 1950 से ही लग रहा है, क्योंकि हम बॉर्डर से हैं, हमने देखा है हमारी संख्या जो एक समय 70% थी आज 30% हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि हमने सीमा को सुरक्षित नहीं किया। हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। मैंने दरख्वास्त की है मोदी जी को कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, पहले हमारे बारे सोचिए, उसके बाद आप पड़ोसी के बारे सोचिए। एनआरसी का मुद्दा अभी देखिए असम में फाइनल लिस्ट आ चुका है, क्या कहेंगे? एनआरसी कभी 270, 370, कभी कुछ, तो क्या इस तरह के मामले क्यों आ रहे, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए, एनआरसी एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोसेस है और मेरा एक ही दरख्वास्त है कि आप एनआरसी जाति धर्म भाषा में मत कीजिए। जो हिंदुस्तान के हैं उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, और किसी के धर्म, भाषा और जाति में आप उनको टारगेट मत कीजिए। और जो हिंदुस्तान के नहीं हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या जो केंद्र सरकार कहेगा हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं जाति, धर्म और भाषा के आधार में और जो हिंदुस्तान के नागरिक। अभी एनआरसी ज़रूरी है या आर्थिक व्यवस्था जो हमारी GDP 5% गिर चुकी है, लोएस्ट इन सेवरल ईयर्स, वो ज़रूरी है? देखिए, आप दोनों को लिंक नहीं कर सकते, पॉपुलेशन भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम अपना जो हमारा जो व्यवस्था है आप पड़ोसी को देंगे और देशवासी को नहीं देंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। अगर आप ज़्यादा खर्च एक सेगमेंट को करेंगे और देशवासी को नहीं करेंगे वो भी प्रॉब्लम है। तो एनआरसी ज़रूरत है कि आप आइडेंटिफाई करें कि देश का नागरिक कौन है, लेकिन आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए ऐसा नहीं कर सकते। किसी को टारगेट किया जाता है, हाँ, वो गलत बात है। आप जाति, धर्म, भाषा में आप टारगेट नहीं कर सकते। और GDP का जो मामला है वो NRC से जुड़ा नहीं है, वो तो डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद आपने GST लागू किया रात के 12 बजे, और आज आपको लग रहा है RBI गवर्नर ने इस्तीफा दिया,
दो दो आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार इलेक्शन मोड में उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति जो है उनको इग्नोर किया इलेक्शन जीतने के लिए। आज उसका परिणाम आपको मिल रहा है, 5% जो जीडीपी आज गिरा है वो कल एक रात में नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस था जो हमने आज से 3-4 साल पहले शुरू किया, डीमोनेटाइजेशन जीएसटी जल्द में, और उसका आज ये परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है। सर बताइए, त्रिपुरा के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ आज से नहीं, हम 1988 में हाँ मिस्टर राजीव गांधी उसको साथ एग्रीमेंट किया था, टीएनवी त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर, उसी टाइम में मैं वाइस प्रेसिडेंट था 88 में, उसी टाइम पे भी मैंने मांगा है, मैं मिस्टर गांधी हमारे साथ एग्रीमेंट किया और हमारा एग्रीमेंट कॉपी है, जितनी था एग्रीमेंट का वो कभी तक सक्सेस नहीं हुआ, हाँ कभी तक सक्सेस नहीं किया। हाँ त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट सब बंगाली सरकार बैठा है, त्रिपुरा का सिर्फ ओनली फॉर 1-2 मिनिस्टर है, बाकी सब चीफ मिनिस्टर तो सब बंगाली है, हाँ बाहर का आदमी कंट्रोल कर रहा है हमको। उसी टाइम पे हमारा एग्रीमेंट के बाद मैंने खुद मिस्टर गांधी को बताया, सर हमारा जी त्रिपुरा में जितनी पहाड़ी ऊंचाई में जिस जूम कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, पहाड़ी ऊपर में जूम कल्टीवेशन करते हैं, उसी जगह पे घर बनाकर हम लोग ट्राइबल लोग बैठा है, रात में आग जलाकर रात भर कटाते हैं, लेकिन सिर्फ वोट डालने का टाइम को उसको बुलाकर वोट डालाते हैं सर। लेकिन हम भी चाहते हैं हमारा बाल बच्चा को शिक्षा डालाना और हम भी अच्छे घर में बैठना चाहते हैं, लेकिन सर क्यों ट्राइबल के ऊपर इतना ये चल रहा है, हाँ इतना दुर्नीति क्यों चल रहा है, लेकिन इसके बचने के लिए कोई किसी अब रास्ता है ही नहीं, बोल रहे हमको पीछे बताया था अनंत जी, हम जब तक जिंदा रहेगा हम देखेगा त्रिपुरा को हम बदलता रहेगा, लेकिन 2 साल का बाद तो गायब कर दिया, तो पीछे हमारा कोई सफल नहीं हो अभी तक, कहाँ 88 अभी तक, सिर्फ हमारा जितनी मांग था उसी मांग को कभी तक नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के तरफ से यहाँ आए, इतने 60 साल तो हुकूमत कांग्रेस पार्टी ही ने किया है तो नहीं, उसी के टाइम पे हम लोग टीटी एडीसी मिला 1988 में, कांग्रेस ने दिया और बाकी कोई नहीं दिया। 2014 में बीजेपी सरकार आई है, 6 साल सरकार की, क्या त्रिपुरा के लिए कुछ स्पेशल पैकेज या कुछ काम किया वहाँ के लिए? नहीं, हम उसी टाइम पे जो बीजेपी के साथ अलायंस किया, हाँ 2018 में चुनाव हुआ था त्रिपुरा में, बीजेपी के साथ हमारा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन वर्ग गठबंधन होकर सरकार बनाया, वो खुद बोला है हेमंत विश्व शर्मा एंड मिनिस्टर, अब जितने बीजेपी का मिनिस्टर खुद बातचीत किया था, हम तुमको लेकिन ये 9 सीट में लड़ो, बाकी हम 11 सीट में लड़ेगा, एसटी 20 सीट है रिजर्वेशन, वो 11 सीट बीजेपी ने लड़ा और हमारा एसटी ने लड़ा 9 सीट, उसी के टाइम पे बोला है हम सरकार पहले हमको सरकार बनना दो, हमारा प्रेसिडेंट एनसी को ये बताया था हमको सरकार बनना दो, हम त्रिपुरा को सब कुछ मांगा हम पूर्ण कर देगा, देखा है 10.5 साल बाद मिनिस्ट्री डेलसर का बात कहाँ है एडीसी, अभी तक चुनाव नहीं है, अभी चुनाव होगा, बोलते हैं एडीसी को हम टूटाकर तुमको हैंड ओवर करेंगे, सिर्फ एसटीसी 20 में जितने सरकार बनाया अभी 36 है बीजेपी का जीता हुआ एमपी एमएलए, हाँ 36 है हमारा एसटी 10 सीट जीता है, हाँ 20 में 10 सीट जीता है, 2 सीट हारा है, हम लोग 8 सीट मिला है, उसी टाइम पे भी वो लोग सरकार बनाने के लिए मुश्किल है, हाँ 36 से 10 सीट। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 को हाँ त्रिपुरा के लोग कैसे देखते हैं? हाँ त्रिपुरा लोग नहीं मानते, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कैसा होगा, त्रिपुरा तो बाहर का है, हमारा चारों तरफ त्रिपुरा चारों तरफ बांग्लादेश है, हाँ सबसे पहले तो हम मर खाएगा और असम पीछे है, असम तो पीछे है, त्रिपुरा सबसे पहले मर खाएगा,
एनआरसी को लेके क्या कहते हैं त्रिपुरा के? त्रिपुरा ने हम लोग केस दिया, अभी भी कोर्ट सुना होने था, अभी सुनाओ नहीं। क्या चाहते हैं? हाँ, हम लोग चाहिए एनआरसी। एनआरसी चाहिए त्रिपुरा में होना चाहिए, है कि नहीं? हम पहले 50 में डिमांड है, दिल्ली तक का सफर करना पड़ा, 3 दिन का सफर करके दिल्ली पहुँचे हैं। हाँ, हमारा मांग बहुत है, हम अभी भी ये है, हम अभी तक 50 साल हमारा भाषा में, अभी तक हम इंग्लिश हरफ पे पढ़ना चाहते हैं। मिजोरम बहुत डेवलप हो गया, अपना भाषा में पढ़ाए। हम 50 साल पॉलिटिकल किया, हमारा 50 साल में अभी तक हमारा कक बरक लैंग्वेज अपना मातृभाषा में हम लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, वो भी हम मांग कर रहे हैं। इसीलिए तो कहाँ मिलेगा हमारा लैंड रिफंड करने के लिए? हमारे साथ एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 88 में, हाँ, TNB के साथ हथियार, उसको हथियार दिया, सब कुछ सरेंडर किया, अभी कोई नहीं। इसीलिए हम लोग दिल्ली सरकार को मांग करने के लिए, हर पॉइंट को, हर चीज मांगने के लिए हम हर साल में आएगा। अभी विश्वास है महाराज हमारा, अभी चला गया महाराज पद्युत किशोर देववर्मा महाराज, उसको पिताजी किरीट विक्रम किशोर मानिक, वो 2 दफा MP हुआ था लेकिन मिनिस्ट्री नहीं मिला। फिर उसको नाना जी, अभी हमारा वीर विक्रम किशोर मानिक, वो महाराज था, उसी महाराज का नाती अभी त्रिपुरा का हर आदमी मानता है, क्योंकि त्रिपुरा ओनली फॉर 2% था, त्रिपुरा में 2% वोटर था उल्लू का। महाराज आने के बाद ये लोकसभा चुनाव में हम लोग 35% करा दिया, 35% अभी कांग्रेस है त्रिपुरा में, ये महाराज प्रेसिडेंट होने के बाद। तो हम भी दूसरी पार्टी में था चुनाव में, हम भी छोड़कर इधर महाराज का जुड़ाव, मैं तीन पार्टी में था, 22 प्रेसिडेंट, पहले IPF थी, INP थी, और हथियार देने के टाइम में तो TNV, अभी कांग्रेस में जुड़ा हुआ, सिर्फ महाराष्ट्र को देख। और ट्राइबल आदमी कभी तक और मुक्त नहीं मिलेगा, सिर्फ महाराष्ट्र देगा तो होगा, वही बात। थैंक यू।